through that question number 4 has sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 is equal to 1 upon 16. इसको हमने साबित करना है. Sin 10 degree, sin 30 degree. अगर हम इन दोनों को consider कर रहे हैं, ये आ जाएगा sin 50 degree और ये आ जाएगा sin 70 degree. ठीक है? प्रोडक्ट और साइन अल्फा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट के मुताबिक हम पढ़ चुके हैं. साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा ए प्लस बीटा ओवर टू इनटू आगे क्या हो जाएगा कॉस सॉरी ये हो जाएगा टू साइन अल्फा कॉस बीटा. ये हमारे पास पहला फार्मूला था और दूसरा हमारे पास था साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा साइन बीटा. अब अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें ठीक है और इस पे हम ये प्रोडक्ट से इसको हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ये दो फार्मूले इस पे रहेगा क्योंकि ये साइन साइन है और साइन साइन के लिए हमें कौन सा फार्मूला इस फार्मूले का पता होना चाहिए कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन अल्फा कॉस सॉरी साइन बीटा. ठीक है ये दोनों साइन साइन है इसलिए हमें इसकी ये वाले फार्मूले जो है वो चाहिए इसके. अच्छा अब हम क्या करेंगे साइन 10 साइन 30 की हम वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे वो हमारे पास है 1/2 और इसके लिए हमें क्या चाहिए इसको हम माइनस टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन 50 साइन 70. अब हमें सिर्फ इधर माइनस टू चाहिए देख लें यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा के साथ क्या आ रहा है माइनस टू आ रहा है ना तो ये माइनस टू ये न्यूमिनेटर वाला हमें चाहिए डिनोमिनेटर वाला जो है इसको हम बाहर ले आएंगे टू टू जा फोर और ये माइनस का साइन है ये इधर आगे आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर और ये साइन टेन डिग्री इधर क्या आ जाएगा माइनस टू साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री. यहां तक क्लियर यस सर. हमने क्या किया इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया 4 को हमने बाहर निकाल दिया. अच्छा साइन 30 का हमें पता है साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 की इक्वल है. अब इस पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे साइन साइन है लिहाजा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की अल्फा किस चीज की इक्वल है इसमें 50 की इक्वल है और बीटा किस चीज की इक्वल है बीटा इज इक्वल टू 70. ये क्लियर हुआ ये स्टेप. अब आप इसकी वैल्यू लगा माइनस 1/4 साइन 10 डिग्री इस पे आप फार्मूला लगा रहे हैं बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 50 प्लस 70 और माइनस क्या आ जाएगा कॉस 50 माइनस 70 डिग्री ये बन जाएगा माइनस 1/4 साइन 10 डिग्री ये क्या बन जाएगा कॉस 120 डिग्री और ये माइनस कॉस क्या बन जाएगा माइनस का 20 कॉस 120 कॉस 120 किस चीज की इक्वल है माइनस 1/2 की इक्वल ये आ जाएगा माइनस 1/4 साइन 10 डिग्री इनटू माइनस 1/2. अच्छा ये माइनस का साइन है कॉस का हमें पता है कि माइनस के साइन को
खत्म कर देता है, ये आ जाएगा माइनस कॉस 20 डिग्री। यहाँ पे हमने दो रिलेशन यूज किए, एक कॉस 120 डिग्री जो है माइनस 1/2 के इक्वल है, दूसरा हमने कौन सा यूज किया, कॉस माइनस थीटा जो है कॉस इस माइनस को खत्म कर देता है इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी साइन को आप यहां पे अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा, बल्कि ये टू जो है आप एलसीएम ले, ये आ जाएगा 1/4 विद माइनस साइन, साइन 10/2, ये माइनस का साइन भी आ जाएगा, माइनस कॉस साइन 10 डिग्री, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस 20। इन दोनों में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 एज ए एलसीएम आएगा, एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सही है। अब इससे अगर हम -1/2 कॉमन निकाल दें तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इससे -1/2 क्या निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। इधर हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस 1/8 इंटू साइन 10 प्लस 2 साइन 10 कॉस 20, ये आ जाएगा 1/8 इंटू साइन 10। इसकी अगर हम वैल्यू लगा दें, इस पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस 2। अल्फा किस चीज की इक्वल है, ये 10 डिग्री हमारे पास अल्फा है और ये 20 डिग्री हमारे पास बीटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 10 प्लस 20। आगे क्या आ जाएगा, प्लस दरमियान में प्लस का साइन है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा 10 माइनस 20, अब ये क्या बन जाएगा, 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस ये क्या बन जाएगा 30 साइन 30 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा प्लस साइन माइनस 10 डिग्री, इधर माइनस आ जाएगा। अब साइन का हमें पता है कि साइन जो है माइनस साइन को बाहर निकालता है, क्या करता है, 1/8 साइन 10 डिग्री, साइन 30 किस चीज की इक्वल है, 1/2 की इक्वल है, प्लस 1/2 माइनस साइन 10 डिग्री आ जाए। ये माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो है वो एंगल वाले माइनस को बाहर निकालता है, ठीक है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसके साथ साथ साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 की इक्वल है। अब ये प्लस साइन 10 डिग्री है और ये माइनस साइन 10 डिग्री है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/8 इज मल्टीप्लाई विद 1/2, वी विल गेट 1/16, यानी इससे हमें क्या हासिल हुआ, 1/16, यही हमने साबित कर। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने हल करना है, इसको अगर हम देख ले, साइन पाई अपॉन, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट है, साइन पाई अपॉन 9, साइन 2 पाई अपॉन 9, साइन पाई अपॉन 3, साइन 4 पाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 3/16। अब इस साइड को हमने कंसीडर करना है, साइन पाई अपॉन 3 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 9, साइन 2 पाई अपॉन
नाइन साइन फोर पाई अपॉन, ठीक है, साइन पाई अपॉन थ्री जो है वो किस चीज की इक्वल है, साइन पाई अपॉन थ्री हमारे पास है अंडर रूट थ्री अपॉन टू की इक्वल है, किस चीज की इक्वल है, अंडर रूट ये 60 डिग्री है ना, पाई अपॉन थ्री 60 डिग्री है, 60 डिग्री जो थी वो ये वाली है ना, ये वाली उंगली थी, फिर उसके बाद 90 थे ना, याद है, आप स्क्वायर रूट आपने लिखना है, इससे पहले कितनी उंगलियां आ रही, तीन आ रही, तो थ्री स्क्वायर रूट के अंदर थ्री आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वैसे भी फार्मूला तो इसका ये था ना, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू, आप 60 जो था वो मैंने आपको बताया कि ये है, अब तीन उंगलियां आ रही है, तो आपने इधर स्क्वायर रूट में क्या लिखना है, थ्री, सही है, अगर 45 होता तो फिर हम दो लिख लेते, अगर 30 होता तो हम एक लिख लेते, तो ये इक्वल है थ्री अंडर रूट ए टू के साइन फाइव बाई नाइन, इसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन साइन है, हमें पता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा की इक्वल, किस चीज की इक्वल है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन टू पाई बाय नाइन साइन फोर पाई बाय नाइन, अब इस माइनस टू को आप इधर आगे ले आए थ्री अंडर रूट फोर टू टू जा फोर, माइनस का साइन भी आ जाएगा साथ में, समझ आ रही है इसकी, साइन पाई बाय नाइन ये क्या बन जाएगा, माइनस टू साइन, इसको हम थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, पहले हम ये फोर पाई लिख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता बार बार हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं टू पाई बाय, क्लियर हो, अब आप ये वैल्यू इसमें लगा दें, इसमें आप फार्मूला लगा दें, माइनस थ्री अंडर रूट ओवर फोर साइन पाई बाई नाइन, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या है, फोर पाई अपॉन नाइन, बीटा किस चीज की इक्वल है, प्लस टू पाई बाय नाइन, इस हिस्से में ये हमारे पास बीटा है और ये अल्फा है, यहां पे अल्फा और बीटा की अपनी वैल्यू लगा दी, माइनस आगे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा क्या है, फोर पाई अपॉन नाइन माइनस टू पाई अपॉन नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री अंडर रूट ओवर फोर साइन पाई बाय नाइन, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम इज नाइन कॉस सिक्स पाई, ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आप लोग भी इसका एलसीएम निकाल के इसको ऐड कर सकते हैं, सिक्स पाई अपॉन नाइन, इसी तरह कॉस टू पाई अपॉन नाइन, यहाँ तक ये क्लियर, मसला तो नहीं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, थ्री अपॉन टू, यानी टू अपॉन थ्री, ये बन जाएगा कॉस 120, कॉस 120 जो है माइनस वन अपॉन टू की इक्वल है, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री ओवर फोर साइन पाई अपॉन नाइन इंटू, ये बन जाएगा कॉस टू पाई बाई थ्री, जो कि हमारे पास माइनस वन ओवर टू की इक्वल है, किस चीज की इक्वल है, माइनस वन ओवर टू की इक्वल है, माइनस वन ओवर टू, ठीक है, आगे आ जाएगा कॉस टू पाई अपॉन नाइन, अब इसमें मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, इसमें हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, साइन को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो टू एलसीएम आ जाएगा माइनस वन, इधर जो है टू आ जाएगा, सही है, समझ आ रही है, अब ये साइन माइनस आप इससे कॉमन निकाल दें, माइनस वन अपॉन टू, इससे माइनस भी हम कॉमन निकाल लेते हैं और साथ में ये टू भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि टू डिनोमिनेटर में है तो
तो इधर आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू और साथ में माइनस अंडर रूट थ्री ओवर फोर इंटू इस साइन को आप अप्लाई कर दें। इसका साइन माइनस का है, जब आप इसे माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन किस चीज का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। साइन पाई अपॉन नाइन, इसका साइन माइनस का है, जब आप इसे माइनस बाहर निकालेंगे वी विल गेट प्लस, और साथ में साइन भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइन पाई अपॉन नाइन, इधर टू भी है और कॉस टू पाई अपॉन नाइन। अब इस पे आप फार्मूला लगा दें, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि किधर लिखूं इधर लिखूं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा को हम ये टर्म रख रहे हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा तरतीब दे, माइनस इनटू माइनस प्लस, टू टू जा फोर अंडर रूट थ्री ओवर एट, फोर टू जा एट सॉरी, ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन नाइन प्लस टू कॉस टू पाई अपॉन नाइन साइन पाई अपॉन नाइन, ठीक है। अब हम इसमें ये वाला फार्मूला लगा, ठीक है, समझ आ रही है, आप इसमें ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो माइनस वाला भी लगा सकते हैं, माइनस वाले में फिर आपने इस यहाँ पे लगाना है। अब आप इसमें ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, थ्री अंडर रूट ओवर एट कॉस पाई अपॉन नाइन प्लस साइन, क्या आ जाएगा, अल्फा हमारे पास ये है और बीटा हमारे पास ये है, क्या लिखे, टू पाई ओवर नाइन, हाँ पाई ओवर नाइन, आगे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन है, साइन टू पाई अपॉन नाइन माइनस पाई ओवर नाइन, ठीक है। अब हमें क्या हासिल होगा, इन दोनों को आप माइनस कर दें, ये आ जाएगा थ्री अंडर रूट ओवर टू, ये साइन है सर, ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन नाइन, ये क्या बन जाएगा, फार्मूला मैंने गलत लगाया सर, वो इधर हमारे पास माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आएगा, फार्मूला मैंने गलत लिखा है, तो ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन नाइन प्लस, इन दोनों में एलसीएम क्या बनेगा, नाइन बनेगा, टू प्लस ये आ जाएगा थ्री पाई अपॉन नाइन, ये स्टेप क्लियर, एलसीएम हम लेंगे नाइन, टू पाई प्लस पाई थ्री पाई, और ये आएगा माइनस साइन, इन दोनों में एलसीएम क्या बनेगा, ये नाइन है, ये गलती से मैंने टू लिखा हुआ है, ठीक है, एलसीएम नाइन बनेगा, टू पाई माइनस पाई पाई आ जाएगा, माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, इसका एंगल पाई अपॉन नाइन, इसका भी एंगल यही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपॉन एट, ये गलती से टू मैंने लिखा हुआ है, ये आ जाएगा साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री का हमें पता है कि थ्री अंडर रूट ओवर टू की, ये आ जाएगा थ्री अंडर रूट ओवर एट इंटू थ्री अंडर रूट ओवर टू, अंडर रूट थ्री हमारे पास थ्री के इक्वल आ जाएगा, टू एट इज अ सिक्सटीन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित किया। अच्छा उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, ये हमने साबित कर, ये दोनों हम कंसीडर कर लेते हैं, cos लेफ्ट हैंड साइड cos 20 डिग्री इसको मैं 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर हमें ये फार्मूला बनाना हो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos alpha minus beta is equal to 2 cos alpha cos beta, ठीक है, ये दोनों cos cos है तो लिहाजा
ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर दोनों साइन साइन हो भी ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन दरमियान में माइनस होगा। अगर डिफरेंट हो फिर साइन वाले फार्मूले जो है इस पर लगेगी। तो यहाँ पे तो चूंकि टू नहीं है तो लिहाजा हम टू से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। कास 40 डिग्री कास 80 डिग्री, अब ये वाला अपॉन टू आप यहाँ से कॉमन निकाल दें, कास 20 डिग्री, ये क्या बन जाएगा, टू कास 40 कास 80 डिग्री। अब आप इस पे फार्मूला लगा दें, क्या लगा दें, फार्मूला लगा दें, वन अपॉन टू कास 20 डिग्री क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, अल्फा हमारे पास 40 है, बीटा हमारे पास 80 है, तो बन जाएगा कॉस 40 जमा 80 प्लस साइन सॉरी कॉस कॉस 40 माइनस 80 ठीक है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस 20 डिग्री, ये बन जाएगा कॉस 120 डिग्री, क्या बनेगा 120 प्लस कॉस माइनस का 40 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का है पता है किसी माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल है इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस 20 डिग्री, ये माइनस 1 अपॉन 2 कॉस जो है इस माइनस को खत्म करेगा, यहाँ पे हमें प्लस मिलेगा कॉस 40 डिग्री सही है। अब हम 2 एलसीएम निकालेंगे, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा एलसीएम सही है, इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, इस 1 अपॉन 2 को हम बाहर निकालेंगे, वी विल गेट 1 अपॉन 4 कॉस 20 डिग्री माइनस 1 प्लस 2 कॉस 40 डिग्री सही है। अब ये कॉस में अप्लाई कर देता हूं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इनटू कॉस 20 डिग्री विद माइनस ठीक है। अब ये कॉस आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2 कॉस 20 डिग्री इनटू कॉस 40 डिग्री, अब इसमें फिर आप ये वाला फार्मूला लगा दें, जब आप दोबारा इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 20 प्लस 40 प्लस कॉस 20 माइनस 40 ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री cos 60 पे किस चीज की इक्वल है 1/2 की इक्वल है, ये आ जाएगा प्लस का cos माइनस 20 डिग्री यही आएगा हाँ। अब ये क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 माइनस cos 20 डिग्री सॉरी ये प्लस है क्यों माइनस गलती से माइनस बनाया माइनस cos 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 cos इस माइनस को जो कि एंगल के साथ उसको खत्म कर देता है cos 20 डिग्री। अब ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल 1 1 4 2 8 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आता है।